फिर भी क्यों देना तो 115 पे चल रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा मेरे को तो। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि मेरा टायर पे हवा बहुत ही कम है, टायर पंचर हो गया या पूरा हवा निकल गया है कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी भाई से जाके ही पता चलेगा। तो मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ भाई। यहाँ पे मैं तस्लीम का कब से वेट कर रहा था और तस्लीम अभी बोल रहा है कॉल करके कि अभी नहीं जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो अब फिर कल जाएगा मॉर्निंग में, तो सीन हो गया। तो चलो, वैसे भी मैं आया हूँ तो मेरा काम हो जाएगा क्योंकि मेरे को टायर पे हवा डलवाना है। तो अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल बाइक से आ रहे हैं। हम लोग अभी जा रहे थे पूर्णिया रिंग रोड पे, उस दिन जो हम लोग बुलेट लाने गए थे तो हम लोग जो रिटर्न आए थे तो वही बुलेट लेने फिर से आज जा रहे थे। उस दिन तो हम लोग रिटर्न आ गए थे क्योंकि बाइक जो है बनी नहीं थी। ये देखो भाई, हवा नहीं है फिर भी मैं कितना रफ चला रहा हूँ। मतलब हाईवे में तो उतना दिक्कत नहीं होता है क्योंकि ट्यूबलेस टायर है, इसीलिए बस गांव वाली रोड में बहुत दिक्कत होती है। तो आ गया मैं सद्दम भाई के पास। रखा हुआ? हाँ, मेरा गोप्रो का एंगल भी यार इधर उधर हो रहा है। सो गाइस, जैसे आपको पता ही होगा, मैं आपको दिखा दिया हूँ, अभी अभी पंचर बना है। मतलब मैं बोला भी था यार पंचर हो गया है, मेरे को लगा था ऐसे रखा हुआ है 2 दिनों से तो हवा निकल गया होगा अपने आप, तो पंचर तो बन गया है। और अभी जाएंगे हम सोनू भाई के पास, और क्योंकि मेरा जो है गोप्रो का एंगल टेढ़ा हो गया है तो इसको फेविक्विक लगाना होगा अच्छे से। फेविक्विक मार के फिर हम निकल जाएंगे यहाँ से। वो फेविक्विक देना तो यहाँ देखो, मेरा जो प्रॉब्लम था ये भी सॉल्व हो गया। मतलब चलो आज सारा काम निपटा ही लेते जब आए हैं तो। और बस एक काम है, अभी यामा शोरूम जाना है जो मैं ऑर्डर दिया था ये फाइबर वगैरह का, तो जाके कंफर्म कर लेते कि ऑर्डर में लगा या नहीं लगा है। और बाकी अपना काम तो हो गया सारा, तो लेट्स गो ब्रो। बहुत दिनों बाद यामा शोरूम का दर्शन होते हुए आया, सारा आ गया। चलो यार निकलते हैं यहाँ से। ये देखो, ये भी मेरा टूट गया था जब मैं व्हीली मार रहा था तो क्रैश हुआ था। ये हेडलाइट भी मेरा टूटा हुआ है, तो इस पर हम ब्लैक रैप चढ़ा के रखे हैं तो उतना पता नहीं चल रहा है। और बाकी ये चेंज कर देंगे, इसका ज़्यादा दाम है नहीं, तो ये भी ऑर्डर में लगा लिए। और बाकी ये जो है मीटर का कवर, ये भी ऑर्डर में लगा ही दिए। देखो स्क्रैच वगैरह आया, तो चलो यार झोल झाल क्या रखना, सारा काम कर रहे हैं तो एक साथ करते। और चलो अब निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। यहाँ से इंसान निकलता है तो यहाँ पे मेरे को धीरे ही चलना पड़ेगा। और ये देखो ये बंदा क्या कर रहा है, बीच रोड पे ही चल रहा है। मेरा जो काम था आज का सारा हो गया, पंचर था पंचर भी बनवा लिए, मेरा गोप्रो का एंगल टेढ़ा हो गया था, वो जो फेविक्विक का जो है पावर थोड़ा लो हो गया था तो फिर से फेविक्विक डाल दिए। और अभी मैं भी आपको अच्छा व्यू मिल रहा होगा। और यामा शोरूम में भी जो जो पार्ट्स मेरा छूट गया था वो भी ऑर्डर में लगा दिए। तो चलो आज का मेरा सारा काम हो गया। तो गाइस अब डायरेक्ट हम निकल रहे हैं घर के लिए, फिर से हम आ गए टूटा ब्रिज पे। 115 पे चल रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है मेरे को तो। तो ये देखो टूटा ब्रिज, फुल ऑफरोडिंग चल रहा है यहाँ पे तो भाई। फुल ऑफ रोडिंग भाई, इधर से ही लेंगे यार क्योंकि मेरे को यहीं पे कटना है। सो गाइस आज का मेरा सारा काम फाइनल हो गया, और बाकी जो है बुलेट लेने हम लोग कल निकलेंगे फिर से, कल मॉर्निंग में ही हम लोग जाएंगे। तो उसका ब्लॉग आपको
मिल जाएगा। सो चलो इस ब्लॉग को मैं अब यहीं पे एंड करता हूँ। सो गाइस मिलते फिर कल नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू गाइस, कीप सपोर्टिंग।